ने भोशाला में प्रवेश किया। एएसआई की टीम के साथ 34 मजदूर भी मौजूद रहे। देखिए कई तथ्य सामने आ रहे हैं, साथ ही यहाँ पर यह समझना जरूरी है क्योंकि 19वां दिन है, सर्वे लगातार तेज होता हुआ एएसआई का यहाँ पर नजर आ रहा है, मजदूरों की संख्या को भी बढ़ाया जाता रहा है, कई तथ्य निकल कर सामने आए हैं, चाहे सीढ़ियों का मिलना हो, तमाम कलाकृतियों की पहचान हो, या फिर कह लीजिए कि लगातार उन पिलर्स की जांच करना कि आखिर इनकी उम्र कितनी है, कितने पुराने हैं, ये कार्य अब और तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। एएसआई लगातार अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और साथ ही हर दिन सर्वे में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है और किस तरह से वहां पर तमाम सुरक्षा के घेरों के साथ एएसआई की टीम पहुंचती है, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं। आज चूंकि 19वां दिन है और 19वें दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, साथ ही एएसआई की टीम 8 बजे से यहां पर पहुंच चुकी है, सर्वे जारी है। एएसआई की टीम के साथ इस बार 34 मजदूर भी मौजूद है। यहां पर यह समझना जरूरी है कि मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, पहले 20, 30 और अब 34 कर दिया गया है मजदूरों की संख्या को। तमाम उपकरणों के साथ मजदूर यहां पर पहुंचते हैं, हालांकि मोबाइल फोन्स यहां पर ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि आज पूजा अर्चना के लिए लोग भी यहां पर पहुंचेंगे। तो आज मंगलवार है, साथ ही चैत्र नवरात्रि का पहला दिन भी है, भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने की उम्मीद है, ऐसे में समय भी निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि आज 19वां दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है और मंगलवार के दिन आप देख सकते हैं कि पुजारी जो है अंदर जो है हनुमान चालीसा पूजा पाठ होना है, उसके लिए आरती लेकर अंदर जा रहे हैं, वहीं हिंदू पक्ष के लोग भी अंदर जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर किसी को भी कोई भी गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं है, लगातार यहाँ पर चेकिंग चल रही है। महिलाएँ जो है, पुरुष, महिलाएँ, बच्चे जो है धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहे हैं। आज जो है नववर्ष का चैत्र प्रतिपदा का आज पहला दिन भी है, मंगलवार भी है, उसी को देखते हुए जो है आज भोजशाला में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और लगातार आज लगभग दो घंटे अंदर हिंदू समाज अंदर रहेगा जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। वही आज सबसे बड़ी बात है कि जो बजरंग दल के सोहन सोलंकी हैं, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयोजक भी है, वो भी अंदर पहुँचे हैं और आज वो भी पूजा पाठ के दौरान मौजूद रहेंगे। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए सर्वे टीम का अधिकार है अपना, कोर्ट के आदेशानुसार वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग हम दे रहे हैं। अकल कुया का सवाल है तो उन्होंने उसकी नप्ती वगैरह की है और बाबा के इधर भी जो जो चीज़ें उन्होंने मेजरमेंट और जो शिलालेख है, शिलालेख भी उन्होंने साफ सफाई करके उनके हिसाब से उसको ऐड किया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि जिस सन में मस्जिद बनी थी या दरगाह बनी थी वो सारे सन उस पर लिखे हुए हैं और उससे बहुत सारी मदद मिलेगी उनको। और आज का दिन खास है, मंगलवार है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, पहले ही यहाँ पर हनुमान चालीसा की अनुमति दी गई है मंगलवार वाले दिन। रेणु भी लगातार हमारे साथ वहाँ से जुड़ी हुई हैं, हर रोज पल पल की अपडेट सभी दर्शकों तक पहुंचाती है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, साथ ही आज क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं रेणु, क्या एएसआई की टीम जल्द ही बाहर निकल सकती है सर्वे जल्दी खत्म करके, या फिर आज क्या व्यवस्था देखी जा रही है, चैत्र नवरात्रि का भी पहला दिन है, मंगलवार भी है। जी आपको बता दूं हिमानी, आज मंगलवार है और मंगलवार को जो एएसआई की टीम है, अभी तक जो पैटर्न देखने में आया है कि एएसआई की टीम अंदर जाती है 8 बजे के करीब और वही जो 5 बजे का समय है तब निकलती है। भोजशाला परिसर के अंदर जब 2 से 3 घंटे जब पूजा पाठ चलता है तब एएसआई की टीम अंदर सर्वे नहीं करती है, लगभग 8 से 11 बजे तक अंदर सर्वे नहीं चलता है, उसके बजाय पीछे की ओर लगातार सर्वे जारी रहता है और इसके लिए जो है व्यू कटर्स भी लगाए दिए गए हैं, जहां जहां लगता है कि लोगों को दिखाई दे सकता है कि सर्वे का काम चल रहा है वहां पर पर्दे लगाकर उसको पैक कर दिया गया है और पीछे की साइड जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जो है काम करती है। और आज जो है ये सबसे बड़ी बात कि आज कुछ अधिकारी हमको कम नजर आए हैं, वही मजदूरों की संख्या बड़ी है क्योंकि अक्कलकुया और दरगाह के समीप सारा काम चल रहा है, जिसकी पुष्टि आज अब्दुल समद ने भी की। हिंदू संगठन तो दोरों से बोल ही रहा था कि अक्कलकुया के समीप सर्वे चल रहा है, अधिकारी जो है अक्कलकुया में भी उतरे थे, हिंदू संगठनों
का दावा था कि अंदर अक्कलकुइया में जो है गणेश जी की प्रतिमा भी मौजूद है, एक भोज पत्र भी मौजूद है, सरस्वती नदी के पत्थर भी वहां पर मौजूद है। वही आज जो है अब्दुल समद ने भी इसकी पुष्टि की है कि अक्कलकुइया जो है हमारी आस्था का केंद्र है, यहाँ पे धागे बांधे जाते हैं और यहाँ की सफाई भी की जा रही है। और टीम अंदर उतरी थी, पानी कम हो गया है तो टीम को सर्वे करने में आसानी रह रही है और हम सर्वे से संतुष्ट भी है और जो हमारी आपत्तियां थी उसका भी निराकरण किया गया है। और इस बात से भी हम संतुष्ट हैं कि जो सफाई का काम किया जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है, उससे मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखा जाएगा। आपको बता दूं कि आज मंगलवार होने से जो हिंदू संगठन और हिंदू पक्ष के लोग हैं और हिंदू श्रद्धालु हैं वो लगातार अंदर पहुंच रहे हैं। आज जो 2 से 3 घंटे जो है, वैसे तो दिन भर जाने की अनुमति होती है लेकिन हिंदू संगठन के जो लोग हैं उनकी सहमति से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बता दिया जाता है कि हम इतने घंटे में जो है गौशाला खाली कर देंगे। तो लगभग 11 से 11:30 के बीच में जो हिंदू समुदाय है वो गौशालाओं को हनुमान चालीसा के बाद, आरती पूजा के बाद खाली कर देगा। उसके बाद जो सर्वे की टीम है वो अंदर फिर गौशाला परिसर के अंदर काम कर सकेगी। हालांकि अभी दरगाह के समीप, अक्कलकुइया के समीप काम चल रहा है। कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, तस्वीर भी जल्द साफ हो जाएगी। आज खास दिन है, विशेष तैयारियां भी देखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा अपनी। तो सुबह 8 बजे से ही एसआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। 19वां दिन है, 6 हफ्ते का समय मिला है रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सर्वे तेजी से यहां पर जारी है, काम तेजी से यहां पर जारी है। हर दिन मजदूरों की संख्या को यहां पर बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कई तथ्य निकलकर भी सामने आए हैं सर्वे के दौरान, और साथ ही जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। जो इस पूरे मामले में पेच फंसा हुआ है उसकी स्पष्टता हो जाएगी गौशाला में एसआई सर्वे का। चूंकि आज 19वां दिन है, हर किसी की नजर सर्वे से बनी हुई है। तो देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, इसके साथ ही आज मंगलवार, विशेष तैयारियां, कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति तो दी जाएगी अंदर, लेकिन इसके अलावा चेकिंग करने के बाद ही, और साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी लोगों को। बिना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन के लोग अंदर जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे और उसके बाद वो लोग बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से एसआई सर्वे का जो काम है वो तेजी से वहां पर जारी हो जाएगा।